2021 में अगर आपको एक नया लैपटॉप लेना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 6 बेस्ट लैपटॉप्स की एक लिस्ट बनाई है जिनका बजट 27,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में है। तो आप अपने बजट और अपने काम के हिसाब से कोई भी एक लैपटॉप चूज कर सकते हैं। अगर आपका बजट 25,000 से 30,000 रुपए के बीच में है तो आप ये लैपटॉप ले सकते हैं। इसका प्राइस है 27,699 रुपए। हालांकि इसकी MRP 34,202 रुपीज़ है, लेकिन अभी रिपब्लिक डे सेल चल रही है तो उसमें 27,699 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा। इसमें आपको Ryzen 3 प्रोसेसर मिलेगा, 4GB रैम, 1TB हार्ड ड्राइव मिल जाएगी। इसमें आपको विंडोज़ नहीं मिलेगी, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। विंडोज़ आप अलग से फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं, उस पर मैंने कम्प्लीट वीडियो बनाया हुआ है। इसका वज़न है 1.85 kg, जो के आप ट्रेवल में आसानी से ले जा सकते हैं। यहाँ पर आप इस लैपटॉप के इमेजेस देख सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड की कंपनी है, उसको कंपनी के लिए लैपटॉप चाहिए थे तो उसने यही लैपटॉप्स ऑर्डर किए हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो अगर आपका बजट 25,000 से 30,000 रुपए के बीच में है तो आप ये वाला लैपटॉप ले सकते हैं। नॉर्मल वर्क के लिए ये बेस्ट है, जैसे कि आपको MS ऑफिस वर्क्स करने हैं, टेली वर्क करना है, आपको फोटोशॉप चलाना है, तो इस तरह के जो नॉर्मल वर्क्स हैं वो आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए एक लैपटॉप चाहिए तब आपको ये लैपटॉप नहीं लेना है, तब आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाना होगा। इस बजट में हालांकि ये बेस्ट लैपटॉप है, लेकिन ये नॉर्मल वर्क्स के लिए है, इसमें आप एडिटिंग जैसे हाई काम नहीं कर सकते। ये है हमारी लिस्ट का सेकंड लैपटॉप। अगर आपका बजट 40,000 रुपए के आसपास है तो ये बेस्ट लैपटॉप है 40,000 रुपए के बजट में। हालांकि इसका प्राइस 50,990 रुपीज़ है, लेकिन रिपब्लिक डे सेल में ये आपको मिल जाएगा 42,990 रुपीज़ में, यानी सीधे सीधे इस पर आप 8,000 रुपए बचा सकते हैं। इसमें आपको Ryzen 5 प्रोसेसर मिल जाएगा, 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगी। काफ़ी थिन और लाइट लैपटॉप है, अगर आपको ट्रैवल काफ़ी करना होता है तो उसके लिए भी ये बेस्ट लैपटॉप है, क्योंकि इसका वेट सिर्फ 1.6 kg है। इसमें आपको 8GB रैम, 512GB NVMe SSD स्टोरेज और विंडोज 10 ओरिजिनल मिलेगी। साथ ही आपको MS ऑफिस 2019 भी ओरिजिनल मिल जाएगा। NVMe SSD सुपर फास्ट होती है, जब भी आप अपने लैपटॉप को बूट करते हैं या आप उसमें मल्टीपल वर्क्स करते हैं तो आपको अच्छी स्पीड देखने को मिलती है, और ये काफी महंगी भी होती है। मोस्टली ये महंगे लैपटॉप्स में ही आपको मिलेगी। ये लैपटॉप सभी वर्क्स में काम करेगा, चाहे आपको नॉर्मल वर्क्स करने हो, चाहे आपको हाई वर्क्स करने हो। जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग के लिए एक बेस्ट लैपटॉप चाहिए तो इसमें आप वीडियो एडिटिंग के सभी सॉफ्टवेयर्स को रन कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसमें Camtasia भी रन कर सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा रिसोर्सेज यूज करता है। तो ये मिल जाएगा आपको 42,000 रुपीज में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी आप डायरेक्ट Amazon से बाई कर सकते हैं। ये है हमारी लिस्ट का थर्ड लैपटॉप। इसका प्राइस है 54,990 रुपीज। हालांकि MRP 79,999 रुपीज है, लेकिन रिपब्लिक डे सेल में ये आपको मिल जाएगा 54,990 रुपीज में, यानी सीधे सीधे 25,000 रुपए की बचत इसमें आपको हो जाएगी। स्पेशली ये गेमिंग लैपटॉप है, अगर आप गेमर है, आपको गेम खेलने का बहुत शौक है तो आप नॉर्मल लैपटॉप पर गेम्स नहीं खेल सकते, तो उसके लिए पावरफुल लैपटॉप्स आते हैं, तो उन्हीं में से ये एक लैपटॉप है। इसमें आप सारे नॉर्मल और हाई वर्क्स कर सकते हैं और इसमें आप गेम्स भी खेल सकते हैं। इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाएगा Ryzen 5 और 8GB रैम, 512GB SSD स्टोरेज मिल जाएगा, विंडोज 10 आपको ओरिजिनल मिलेगी। साथ ही इसमें आपको GTX ग्राफिक्स मिल जाएंगे। इसका वेट है 2.2 kg, यानी काफी हैवी लैपटॉप है और ट्रेवल के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर आपको एक हैवी लैपटॉप चाहिए, आपको गेम्स खेलने हैं, आपको हैवी सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, तब आप ये लैपटॉप ले सकते हैं 54,000 रुपीज में। ये आपको Amazon से मिल जाएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है हमारी लिस्ट का फोर्थ लैपटॉप, जिसका प्राइस है 59,990 रुपीज। हालांकि MRP इसका भी 75,929 रुपीज है, लेकिन रिपब्लिक डे सेल में ये आपको 59,990 रुपीज में मिल जाएगा, यानी सीधे सीधे आप 15,000 रुपीज की बचत इस पर कर सकते हैं। इसमें आपको कोर i5 प्रोसेसर मिल जाएगा, 8GB रैम, 512GB SSD स्टोरेज, विंडोज 10 इसमें आपको मिल जाएगी। ये भी सभी हैवी
वर्क्स के लिए, गेम्स के लिए एक बेहतरीन लैपटॉप है जो आप बाय कर सकते हैं डायरेक्ट Amazon से। इस लैपटॉप में और थर्ड लैपटॉप में फर्क ये है कि इसमें आपको Ryzen 5 प्रोसेसर मिलता है, जबकि इसमें आपको Core i5 प्रोसेसर मिलता है। क्योंकि इन दोनों का प्राइस सेम है तो आप इनमें से कोई भी एक बाय कर सकते हैं। अगर आपको Ryzen प्रोसेसर पसंद है तो आप ये वाला ले सकते हैं, और अगर आपको कोर पसंद है तो आप यहां पर ये कोर i5 लैपटॉप ले सकते हैं। इसके बाद हमारी लिस्ट का फिफ्थ लैपटॉप है मैकबुक एयर। अगर आपका बजट 80,000 रुपीस के आसपास है तब आपको मैकबुक एयर लेना चाहिए। अभी मैंने 2 हफ्ते पहले ही मैकबुक एयर परचेस किया है और उसकी परफॉर्मेंस वाकई शानदार है। इसमें आपको 13 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी, 10th जनरेशन इंटेल कोर i3 प्रोसेसर मिल जाएगा, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज इसमें आपको मिल जाएगी। ये काफी लाइट होता है, इसमें आपको अलग अलग कलर्स भी मिल जाएंगे, आप गोल्डन कलर में भी इसको बाई कर सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर है और आपको वीडियो एडिटिंग करनी होती है या फिर आपको अच्छी परफॉर्मेंस वाला एक लैपटॉप चाहिए और आपको एप्पल ब्रांड पसंद है तब आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए। इसमें आप फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज पर फाइनल कट प्रो यूज नहीं किया जा सकता तो आप मैक पर उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारी लिस्ट का सिक्स्थ लैपटॉप है ये काफी पावरफुल लैपटॉप है और इसमें आप कोई भी काम बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस भी वैसा ही है। इसका प्राइस है 1,59,990 रुपीस। हालांकि MRP 2 लाख से भी ऊपर है, लेकिन आपको रिपब्लिक डे सेल में ये आपको 1,59,990 रुपीस में मिल जाएगा। इसमें आपको Ryzen 9 प्रोसेसर मिलेगा, साथ ही इसमें आपको 6GB ग्राफिक कार्ड मिलेगा। ये गेमिंग लैपटॉप है, इसमें आप कोई भी हैवी से हैवी गेम आसानी से चला सकते हैं। इसमें आपको 32GB की रैम मिलेगी और 1TB की SSD ड्राइव मिलेगी। MS Office और Windows 10 आपको इसमें ओरिजिनल मिलेगा। पर्सनली मैं यही यूज करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए और बाकी सारे हैवी वर्क्स के लिए मैं यही यूज करता हूँ, और इसकी परफॉर्मेंस शानदार है। इसका प्राइस काफी ज्यादा है, लेकिन अगर आपका इतना बजट है तो आप ये लैपटॉप ले सकते हैं। इसमें आप कोई भी हैवी से हैवी वर्क्स आसानी के साथ कर सकते हैं। सो ये 6 लैपटॉप्स है, आप अपने बजट और अपने काम के हिसाब से इनमें से कोई भी एक लैपटॉप चूज कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है, आपको सिर्फ MS Office, Photoshop इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करने होते हैं तो आप ये वाला लैपटॉप ले सकते हैं, 27,000 रुपीस में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आपको वीडियो एडिटिंग के लिए एक अच्छा लैपटॉप चाहिए तब आपको ये वाला लैपटॉप लेना चाहिए, सेकंड नंबर वाला, जो आपको 42,000 रुपीस में मिल जाएगा। ये बेस्ट लैपटॉप है, इसमें आपको NVMe SSD स्टोरेज मिलेगा जो कि सुपर फास्ट होता है, साथ ही 8GB की रैम काफी होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए। बाकी अगर आपको गेम का शौक है, गेमिंग आप करते हैं, तब आप ये वाला लैपटॉप ले सकते हैं 54,000 रुपीस में Ryzen 5 के साथ, या फिर आप ये वाला लैपटॉप ले सकते हैं कोर i5 प्रोसेसर के साथ। दोनों ही लैपटॉप बेस्ट है गेमिंग और हैवी वर्क्स के लिए। लेकिन अगर आपका बजट बन जाता है 80,000 रुपीस के आसपास तब आपको डेफिनेटली मैकबुक एयर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस काफी शानदार होती है। इसके बाद अगर आपका बजट 1 लाख रुपए से ऊपर है, 1.5 लाख रुपए के आसपास है, तब आप डेफिनेटली ये वाला लैपटॉप ले सकते हैं। किसी भी हैवी से हैवी वर्क्स को करने के लिए आप इस लैपटॉप का यूज कर सकते हैं। सभी लैपटॉप्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर के साथ। आप कोई भी लैपटॉप Amazon पर देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं।